हेलो एंड वेलकम टू यू मी स्टडी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अभिषेक कुमार। नाउ कंटिन्यूस चिप परफॉर्म होती है नंबर वन जब मटेरियल डक्टाइल हो, नंबर सेकंड हाई कटिंग स्पीड हो, नंबर थर्ड चिप थिकनेस स्मॉल अगर रखी जा रही है तब, नंबर फोर लार्ज रैक एंगल को हमने बढ़ा लिया है तब, नंबर फाइव मिनिमम फ्रिक्शन ऑफ चिप ऑन टूल। अगर टूल का चिप के साथ या मेटल के साथ कम फ्रिक्शन है, बहुत कम फ्रिक्शन हो रहा है, तब कंटिन्यूस चिप फॉर्म होगी। तो ये मिनिमम फ्रिक्शन का फॉर्म हो सकता है। तो फ्रिक्शन कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टूल फेस को पॉलिश कर सकते हैं, एक अच्छे लुब्रिकेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं कटिंग के समय, और हम ऐसे टूल को चुन सकते हैं जो कि ऐसे मटेरियल से बना हो जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम हो। एज आई अर्लियर सेड, जैसे माइल्ड स्टील जैसे डक्टाइल मटेरियल की मशीनिंग करते समय अगर हमने हाई कटिंग स्पीड रखी है, स्मॉल चिप थिकनेस यानी कि डेप्थ ऑफ कट जो है वो हमने कम रखा है, साथ में रैक एंगल हमने ज़्यादा लिया है, लार्ज रैक एंगल लिया है, तब हमारी कंटिन्यूस चिप फॉर्म होती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे गुड सरफेस फिनिश मिलती है हमें इससे, तो इसलिए ये डिज़ायरेबल फॉर्म है, डिज़ायरेबल रहता है हमें कि कंटिन्यूस चिप आए तो अच्छा रहेगा। नंबर सेकंड, कटिंग बहुत ही स्मूथली हो जाती है। नंबर थर्ड वन इज चिप डिस्पोजल इज प्रॉब्लम, तो टिप चिप को डिस्पोज करना इसमें हमारे लिए इसमें एक प्रॉब्लम की तरह होता है। कंटिन्यूस चिप के साथ यही प्रॉब्लम है कि हम उसको डिस्पोज करने के लिए हमारे को दिक्कत होती है, तो इसीलिए वेरियस टाइप ऑफ चिप ब्रेकर्स डेवलप किए गए हैं जो कि स्टेप्स और ग्रूव के साइज ग्रूव के आकार के होते हैं जो कि ब्रेक करने का काम करते हैं कि कंटिन्यूस चिप स्टेप बाय स्टेप ब्रेक होती रहे। नाउ दिस इज अ डायग्राम ऑफ फ्लो ऑफ कंटिन्यूस चिप। सो दिस इज वर्क पीस, रैक फेस, चिप is flowing continuously on the rack face. If you like this video, like, comment, share and subscribe for more updates.